देखो, इस वीडियो में हम लैटराइट सोइल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ये आपको दिखाई दे रहा है लैटराइट सोइल, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देख लो इसका पिक्चर, जो बुक में दिया गया है ये है लैटराइट सोइल। तो इसमें आयरन होता है, लेकिन बुक में कुछ भी नहीं लिखा गया क्या क्या कंटेंट होता है। ओके, तो हम जानते हैं लैटराइट सोइल के बारे में। आप मेरा जो नोट्स है वो देख देख कर लिख सकते हो, क्योंकि नोट्स मैंने बुक से ही लिखा है। क्लियर? तो पहले जाते हैं कॉन्सेप्ट में, कैसे छुटा करके देखते हैं। देखिए, लैटराइट सोइल जो है, एल फॉर लैटराइट, लैटिन वर्ड से, एल फॉर लैटिन ये वर्ड है, लैटिन वर्ड लेटर से आया है, लेटर का मतलब है ब्रिक। ओके, और ये सॉइल में लीचिंग ज़्यादा होता है, लीचिंग। ओके, लीचिंग क्या है मैं आपको बोलूँगा, ड्यू टू हैवी रेन। तो लेटराइज से लैटिन, एल फॉर लैटिन, एल फॉर लेटर, ब्रिक होता है, और लीचिंग ज़्यादा होता है। लीचिंग मतलब देखिए, अगर सॉइल है, एक सॉइल है, सॉइल में हमको मालूम है बहुत, सॉइल में ह्यूमस होता है। ओके, ह्यूमस होता है, केमिकल्स होता है जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। अगर इसमें ज़्यादा बारिश होता है, ओके, हैवी रेनफॉल होता है, ओके, हैवी रेनफॉल, हैवी सनलाइट और हैवी रेनफॉल, तो क्या होगा, इस सॉइल को ऊपर का जो केमिकल है उसको धोकर ये पानी जाकर सागर में गिर जाएगा। तो क्या होता है, जो ऊपर वाला केमिकल से वो क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, ऊपर का ह्यूमस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सॉइल फर्टाइल नहीं होता, इसे कहते हैं लीचिंग। ओके, इसे क्या कहते हैं, लीच। ओके, व लीचिंग। क्लियर? तो आपको लीचिंग मालूम हो गया, ऊपर का जो फर्टाइल है वो पानी से धो जाता है। और कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा होने से, आप देखियो ये जो लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एरिया में, हाई रेनफॉल एरिया में, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, जहाँ पर सन का, सूरज का प्रखर रश्मि ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एरिया और हाई टेम्परेचर एरिया में ये लेटराइट सॉइल मिलता है। अभी देखो, ह्यूमस में बैक्टीरिया वगैरह होता है। क्लियर? ह्यूमस में बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, सनलाइट ज़्यादा पड़ता है तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मर जाता है। तो उसमें ह्यूमस में बैक्टीरिया नहीं रहता, बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो सॉइल फर्टाइल नहीं होता है। तो इस सॉइल को कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह तो मर जाता है ना, तो इस सॉइल को मैन्यूर यूज़ किया जाता है। ओके, खाद यूज़ किया जाता है, मैन्यूर यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। तो फर्टिलाइजर और मैन्यूर यूज़ करने के बाद इस सॉइल में क्या होता है, इस सॉइल में ज़्यादातर होता है टी टी कल्टिवेशंस होता है एंड कॉफ़ी कल्टिवेशंस होता है, ये साउदर्न स्टेट में होता है। ओके, साउथ इंडिया में। क्लियर? क्या करना है, मैन्यूर देना है, फर्टिलाइजर देकर टी कॉफ़ी कल्टिवेशन होता है। तो देखिए, पूरा क्लियर होगा आपका, ये जो सॉइल कहाँ मिलता है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल एरिया में मिलता है, इसका ह्यूमस क्या है, लो है, लो ह्यूमस कंटेंट। और बैक्टीरिया जो है गेट डिस्ट्रॉयड, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है किस लिए, हाई टेम्परेचर के लिए। क्लियर? ये याद रखिएगा। और फिर लोग क्या करते हैं, मैन्यूर्स देते हैं, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर देते हैं। फिर फर्टिलाइजर देने के बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर जैसे टी एंड कॉफ़ी किया जाता है। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ ये सॉइल मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, केरला में मिलता है, तमिलनाडु मिलता है, मैं मैप में दिखाऊंगा। ओके, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मिलता है, और ये याद रखना, हीली एरियाज क्या है, उड़ीसा नहीं, हीली एरियाज, ये याद रखना, हीली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, आसाम का हीली एरियाज और उड़ीसा का हीली एरियाज में ये मिलता है। क्लियर? तो हम देखते हैं मैप, ये देखिए मैप, ये है आसाम का। ओके, बोराइल हिली रे, ये बोराइल है, बोराइल माउंटेन्स हिली एरियाज में आसाम में मिलता है, और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा, याद रखना, उड़ीसा मत देना, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा में ये मिलता है, और थोड़ा सा पार्ट में मध्य प्रदेश में मिलता है, ये मध्य प्रदेश में मिलता है थोड़ा सा पार्ट में। और ये यहाँ पर तो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर देखिए, क्लियर, ये अच्छी तरह से देखिए, ये स्टेट दिखाई देगा, ये उड़ीसा का हिली एरियाज में मिलता है, ये मध्य प्रदेश में मिलता है, आसाम का हिली एरियाज में ये मिलता है। क्लियर? और फिर देखिए आंध्र प्रदेश में मिलता है, ये है आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में मिलता है, तमिलनाडु मिलता है। फिर वेस्टर्न में जाते हैं, वेस्टर्न में कहाँ कहाँ मिलता है, ये देखिए, के फॉर केरला, केरला
केरला में मिलता है, केफर कर्नाटका में मिलता है, तो वेस्टर्न में ये मिलता है, ओके, लेटराइट सॉइल, क्लियर। तो आपको एक आइडिया आ गया कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये हो गया। फिर बोला है देखिए, एडोप्टिंग सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व किया जाता है, एडोप्टिंग सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, सॉइल कंजर्वेशन क्योंकि ये इसमें ह्यूमस नहीं होता है, तो ह्यूमस नहीं होता, बारिश ज़्यादा होता है तो ह्यूमस चला जाता है, केमिकल्स वो चला जाता है, तो उसके लिए एडोप्ट करना चाहिए, एडोप्ट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स हिली एरियाज में किया जाता है। तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी होता है, ओके, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में क्या होता है, टी एंड कॉफ़ी होता है। फिर से मैप में जाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये याद आएगा। तो ये वेरी इजी है, ये देखिए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये के फॉर कर्नाटका, के फॉर केरला, यहाँ पर तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसमें क्या होता है, इसमें सॉइल कंजर्वेशंस किया जाता है, ओके, सॉइल कंजर्वेशंस किया जाता है। बात इसमें क्या होता है, बाद में ये टी कल्टीवेशन होता है एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है, ये याद रखिएगा। कहाँ कहाँ होता है फिर से देखिए, के फॉर कर्नाटका, के फॉर केरला, तमिलनाडु। तो ऐसे आप जाओगे तो इसमें क्या होता है, टी होता है एंड कॉफ़ी होता है, सॉइल कल्टीवेशन। और आप देखोगे तो इस तरफ जाओगे, ये है आंध्र प्रदेश, ये क्या है, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु है, ये केरला है। अगर इस तरफ जाओगे, ये रेड लेटराइट सॉइल है, इसमें आंध्र प्रदेश में रेड लेटराइट सॉइल मिलता है, तमिलनाडु में रेड लेटराइट सॉइल मिलता है, केरला में रेड लेटराइट सॉइल मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला में केशुनाथ होता है, केशुनाथ, ओके, इसमें केशुनाथ होता है। और कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में अगर इस तरफ में जाओगे तो यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी होता है। बिल्कुल सिंपल है, वेरी इजी है। तो आपको ये दो पॉइंट मिल जाता है, तो वो दो पॉइंट देखते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी होता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी होता है, टी एंड कॉफ़ी। एंड रेड लेटराइट कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में केशुनाथ होता है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में केशुनाथ होता है, क्लियर। तो आप फिर से देखिए अच्छी तरह से, आपको पूरा सीख जाओगे, नो नीड टू वरी। ये केरला है, के फॉर केरला, के फॉर कर्नाटका, टी फॉर तमिलनाडु। तो इस तीनों में क्या होता है, इस तीनों में टी होता है, कॉफ़ी होता है, और आंध्र प्रदेश, यहाँ से आज जब आओगे, ओके, क्लॉकवाइज जब आओगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये तीन स्टेट में क्या होता है, केशुनाथ होता है। इन तीन स्टेट में क्या होता है, रेड लेटराइट मिलता है। क्या लेटराइट, रेड लेटराइट। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा मालूम हो गया। आप जाते हैं क्वेश्चन आंसर में, जो नोट्स लिखा है आप नोट्स लिख सकते हो, बुक से दिया गया है, ओके, पूरा बुक में जैसा दिया गया है ऐसा है। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मीन्स ब्रिक, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, ये कहाँ डेवलप होता है, इट डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, वहाँ पर डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, यहाँ पर इंटेंस लीचिंग किस लिए होता है, ड्यू टू हैवी रेन, हैवी रेन के लिए ऊपर में जो केमिकल्स है वो चला जाता है, ओके। ह्यूमस क्या है, वेरी लो है, तो आप इतना तक देने से हो जाएगा, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो, इतना तक देने से हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम होता है तो ये देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड, किस लिए डिस्ट्रॉयड होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा है ना, इसीलिए बैक्टीरिया मर जाता है, ओके, तो ह्यूमस कंटेंट लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेटराइट सॉइल आर सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडुकेट डोजेस ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, लेटराइट सॉइल में ह्यूमस नहीं होता, तो आप मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर एडुकेट डोजेस देने के बाद वह कल्टिवेशन किया जा सकता है, ओके, ये लाइन देना है। नेक्स्ट लाइन में देखो कहाँ कहाँ लेटराइट सॉइल मिलता है, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी दे देना, मध्य प्रदेश एंड द हिली, ये याद रखना, कौन सा एरिया, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, क्लियर। बहुत सारा पॉइंट्स है, आपको तीन पॉइंट्स याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं आता।
After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in hilly areas of Karnataka, Kerala और तमिलनाडु में adopting soil conservation techniques, adopting करने के बाद क्या क्या होता है वहाँ पर देखो क्या होता है केरला तमिलनाडु, this soil is very useful for growing tea and coffee, उसमें tea and coffee होता है कहाँ कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी होता है, याद रखना। ओके, एग्रीकल्चर में आएगा, एग्रीकल्चर का एक पार्ट है आप लोगों को, तो एक साथ हो जाएगा। रेड लेटराइज सॉइल कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला में मिलता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला में रेड लेटराइज सॉइल मिलता है, वहाँ पर कैशुनाट होता है, आर मोर सुइटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशुनाट। तो ये आपका हो गया, मेरे ख्याल से आपका पूरा हो गया। मैप वर्क में क्या आएगा आप देखेंगे, मैप वर्क में क्या आता है आपका, मैप वर्क में ये दे सकता है, ये जो आइडेंटिफिकेशन ऐसे आपको दिया जाएगा, बोलेगा ये कौन सा सॉइल है, तो आप लैटराइट सॉइल देना, नहीं तो ये आ सकता है ये कौन सा सॉइल है, लैटराइट सॉइल। तो ये मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में ये आता है, क्लियर? ये दोनों में से एक आएगा मैप में, ओके, लैटराइट सॉइल, नहीं तो ये भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये आता है। ओके, केरला एंड कर्नाटका में ये वाला जो रीजन है मैक्सिमम ये आता है। ओके, ये क्या सॉइल है, लैटराइट सॉइल, तो ये याद रखें, बाकी सब नहीं आता, बाकी सब बीच में जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता है ना, तो ये नहीं आता है, क्लियर? तो आपको याद रखना है लैटराइट सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है, ये मैप वर्क के लिए अच्छी तरह से ये याद रखिएगा, ये ऐसा है, ओके, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा ये लैटराइज सॉइल है और मैक्सिमम ये आता है, ये लंबा करके दे सकते हैं वो लोग, ओके, सॉरी। तो मेरे ख्याल से लैटराइज सॉइल अच्छी तरह से आपको मालूम हो गया, अच्छी तरह से आप नोट्स करो और पढ़ लो। थैंक यू।